तो पीएम श्री एम्बुलेंस सेवा का यहां पर शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के कसम द्वारा। और यहां पर इसका शुभारंभ होते ही अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये एयर एम्बुलेंस सेवा हेलीकॉप्टर, जो हेली एम्बुलेंस जिसका मैंने आपको बताया अभी ये टेक ऑफ करेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान प्रदेश के सभी जिलों और प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेंगे। आईकेज एयर एम्बुलेंस सर्विस द्वारा संचालित इस सेवा में उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक टीम होगी, जो कि फ्लाइंग डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एयरो मेडिकल साइंसेज फेलोशिप में प्रशिक्षित होंगे। ये अनूठी सेवा प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने या विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता निर्मित होने पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों की स्थिति को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केंद्रों पर एयरलिफ्ट करेगी। मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा में प्रयुक्त हेलीकॉप्टर का संचालन दिन के समय होगा, जो कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों पर पुनः ईंधन भरकर मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान तक पहुंचने में सक्षम है, तथा फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान राज्य के सभी मौजूदा हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों से 24 घंटे जुड़ा रहेगा। भोपाल स्थित कमांड सेंटर से संचालित मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला अस्पतालों से जुड़ी होगी। साथ ही एयर एम्बुलेंस आयुष्मान भारत योजना के तहत रोगियों के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों को दूर दराज के स्थानों पर पहुंचाएगी व आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद के उच्च चिकित्सा केंद्रों पर हवाई मार्ग से ले जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता से प्रारंभ हुई इस संवेदनशील व जीवन रक्षक सेवा के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही हृदय, श्वसन एवं न्यूरोलॉजिकल संबंधी आपात स्थितियों में तीव्र चिकित्सा प्रदाय, नवजात एवं उच्च जोखिम गर्भधारण की गंभीर परिस्थितियों तथा दुर्घटनाओं व प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ये सेवा प्रदेश के लिए जीवन रक्षक वरदान सिद्ध होगी।